गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं श्रीमती रीना खोबरागड़े शाहजी नगर हिंदी मनपा माध्यमिक शाला से बृहन मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग दो कक्षा दसवीं। हमने इसके पहले क्वेश्चन वन का पढ़ाई किया है, आज हम क्वेश्चन टू देखने जा रहे हैं। एसएससी बोर्ड एग्जाम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग दो यह 40 अंक का पेपर होता है जिसमें कुल 4 प्रश्न होते हैं। प्रश्न दो य, प्रश्न दो अ और प्रश्न दो ब में बांटा गया है। प्रश्न दो अ ये 4 अंक का प्रश्न होता है जिसमें वैज्ञानिक कारण पूछे जाते हैं और प्रश्न दो ब यह 6 अंक का होता है। आज हम प्रश्न दो अ में पूछे जाने वाले चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एसएससी बोर्ड परीक्षा में 4 अंक के लिए पूछे जाते हैं। तो प्रश्न दो अ ये जो है ये वैज्ञानिक कारण लिखो करके होता है। इसमें कुल 3 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के लिए होता है जिसमें से आपको कोई 2 छुड़ाने होते हैं। सो पहला वैज्ञानिक कारण 2 मार्क्स का, दूसरा वैज्ञानिक कारण 2 मार्क्स का, कुल मिला के आपके हो गए 4 मार्क्स। ठीक है, तो आज हम इसमें से कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं चैप्टर 6 से चैप्टर 10। फर्स्ट वैज्ञानिक कारण देखते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो चैप्टर 6 होता है इसके वैज्ञानिक कारण इंपॉर्टेंट है, यानी वैज्ञानिक कारण के लिए छठा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से मोस्टली एक तो भी वैज्ञानिक कारण आने की संभावना होती है। हमेशा वैज्ञानिक कारण को पॉइंट्स में ही लिखा जाता है, जो उत्तर लिखे जाते हैं वो पॉइंट्स में ही लिखा जाता है, तो आप पॉइंट में ही लिखने की कोशिश कीजिए। इसमें किसी किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको 2 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स लिखे जाने होते हैं। 2 पॉइंट्स में पर पॉइंट कैरी 1 मार्क्स, अगर आपने 4 पॉइंट्स में उसे लिखा है तो पर पॉइंट कैरी हाफ मार्क्स। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। बैलेनोग्लासेस असंपृष्ट रज्जु प्राणी और संपृष्ट रज्जु प्राणियों के मध्य की संयोजी कड़ी है। संयोजी कड़ी क्या होती है ये हमने फर्स्ट चैप्टर उत्क्रांति में पढ़ा है। ठीक है, तो बैलेनोग्लासेस को असंपृष्ट रज्जु और संपृष्ट रज्जु प्राणियों के मध्य की कड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बैलेनोग्लासेस जो है यह असंपृष्ट रज्जु प्राणियों के कुछ गुणधर्म दर्शाता है, उसी प्रकार संपृष्ट रज्जु ये जो प्राणी है इसके भी कुछ गुणधर्म दर्शाता है। जैसे कि संपृष्ट रज्जु प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है जो कि बैलेनोग्लासेस के सिर पर पृष्ठ रज्जु होता है, यानी कि बैलेनोग्लासेस जो है कुछ गुणधर्म असंपृष्ट रज्जु प्राणियों के द्वारा दर्शाता है और कुछ गुणधर्म संपृष्ट रज्जु प्राणियों की तरह दर्शाता है। इसलिए बैलेनोग्लासेस प्राणी को उत्क्रांति के दृष्टिकोण से असंपृष्ट रज्जु प्राणी और संपृष्ट रज्जु प्राणियों के मध्य की संयोजी कड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। नाउ सेकंड वन, सभी शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी संपृष्ट रज्जु प्राणी होते हैं, परंतु सभी संपृष्ट रज्जु प्राणी शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी नहीं होते हैं। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। संपृष्ट रज्जु प्राणी जो होते हैं इनमें पृष्ठ रज्जु होता है और शीर्ष पृष्ठ रज्जु जो प्राणी होते हैं उनमें पृष्ठ रज्जु होता है लेकिन भ्रूण अवस्था में होता है, बाकी शरीर के विकास के बाद वह मेरुदंड उसकी जगह मेरुदंड ले लेता है। ठीक है, तो अभी देखिए संपृष्ट रज्जु प्राणी में क्या होता है, पृष्ठ रज्जु होता है और शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी में भ्रूण की अवस्था में पृष्ठ रज्जु होता है, शरीर के विकास के बाद वो मेरुदंड में कन्वर्ट होता है या मेरुदंड उसकी जगह ले लेता है। अब संपृष्ट रज्जु प्राणी में पृष्ठ रज्जु होता है जबकि शीर्ष रज्जु प्राणी में भी पृष्ठ रज्जु होता है स्टार्टिंग की अवस्था में, इसीलिए शीर्ष पृष्ठ रज्जु में पृष्ठ रज्जु होता है, इसीलिए शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणियों को हम संपृष्ट रज्जु प्राणी कह सकते हैं। लेकिन संपृष्ट रज्जु प्राणी में मेरुदंड नहीं होता है इसलिए शीर्ष संपृष्ट रज्जु प्राणियों को हम शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी नहीं कह सकते हैं। आई अगेन रिपीट इट, थोड़ा सा एक्सप्लेन और अच्छे से करती हूँ। देखिए आपको पॉइंट वाइज लिखना है, सभी संपृष्ट रज्जु प्राणियों के शरीर में पृष्ठ रज्जु नामक अवयव पाया जाता है, संपृष्ट प्राणियों के शरीर में विकास के समय पृष्ठ रज्जु विद्यमान रहता है, यानी स्टार्टिंग में भी पृष्ठ रज्जु रहता है और शरीर के विकास के समय में भी पृष्ठ रज्जु होता है, परंतु शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणियों में उनके भ्रूण की वृद्धि के समय उनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, तत्पश्चात शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणियों को भ्रूण का संपूर्ण विकास हो जाने के पश्चात पृष्ठ रज्जु के स्थान पर मेरुदंड आता है। अब जिसमें पृष्ठ रज्जु है वह संपृष्ट रज्जु हो गया, अब
पृष्ठरज्जु जो है संपृष्ठरज्जु में भी है और शीर्ष पृष्ठरज्जु में भी है, इसलिए शीर्ष पृष्ठरज्जु को हम संपृष्ठरज्जु कहते हैं। अब हमने सेकेंड पॉइंट में क्या देखा कि शीर्ष पृष्ठरज्जु में मेरुदंड होता है शरीर के विकास के समय। अब संपृष्ठरज्जु में तो मेरुदंड नहीं होता है, इसलिए संपृष्ठरज्जु प्राणियों को हम शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ संपृष्ठरज्जु प्राणी जैसे पुच्छ संपृष्ठरज्जु प्राणी और शीर्ष संपृष्ठरज्जु प्राणियों में मेरुदंड नहीं पाया जाता, इसीलिए पुच्छ संपृष्ठरज्जु प्राणी तथा शीर्ष संपृष्ठरज्जु प्राणी शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी नहीं होते हैं। अतएव सभी शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी संपृष्ठरज्जु प्राणी होते हैं, परंतु सभी संपृष्ठरज्जु प्राणी शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन, कछुआ भूमि तथा पानी दोनों में रहता है परंतु इनका उभयचर वर्ग में समावेश नहीं किया गया है। अब देखिए, उभयचर वर्ग में प्राणी कौन से प्राणी होते हैं जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ऐसे प्राणियों को हम उभयचर प्राणियों में इंक्लूड किए हैं। लेकिन कछुआ भी है जो भूमि पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, लेकिन फिर भी हमने कछुए को उभयचर वर्ग में नहीं समाविष्ट किया गया है। इसके दो कारण है। पहला, जो उभयचर प्राणी होते हैं, जब उभयचर प्राणी पृथ्वी पर रहते हैं तो वह फेफड़े से सांस लेते हैं, और जब वो पानी के अंदर रहते हैं तो वो त्वचा से श्वास लेते हैं यानी श्वसन करते हैं। कछुआ जो है जब जमीन पर रहता है तो वह फेफड़े से श्वसन करता है, लेकिन जब वो पानी में रहता है तब वह पानी से थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना नाक पानी के बाहर निकालता है और श्वसन करता है, यानी पानी में रहता है तभी भी वह फेफड़े से ही श्वसन करता है, इसलिए वो उभयचर में नहीं है। सेकेंड एक डिफरेंस है कि कछुए के शरीर में बाह्य कंकाल है। अब उभयचर प्राणियों के शरीर में बाह्य कंकाल नहीं होता है, इसलिए भी कछुए को उभयचर में नहीं रखा गया। उभयचर के हमने दो गुणधर्म देखे हैं। देखिए कि उभयचर प्राणी जो होते हैं वो जमीन पर रहते हैं तब फेफड़े से श्वसन करते हैं, और पानी के अंदर जो होते हैं तब वह त्वचा से श्वसन करते हैं। लेकिन कछुआ पानी और भूमि में रहता है तभी भी दोनों स्थिति में वह फेफड़े से ही श्वसन करता है। सेकेंड पॉइंट, हमने देखा कि उभयचर प्राणियों में बाह्य कंकाल होता है, लेकिन कछुए में बाह्य कंकाल होता है लेकिन उभयचर प्राणियों में बाह्य कंकाल नहीं होता है, इसीलिए कछुए को उभयचर प्राणी वर्ग में ना रखते हुए उसका समावेश कहाँ किया गया है, सरीसृप वर्ग प्राणियों में किया गया है। फोर्थ वन, केचुए को किसान का मित्र कहते हैं। वैज्ञानिक कारण क्या है, केचुआ जो है वो खेत की मिट्टी ऊपर नीचे करते रहता है। आपको मालूम है जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर जाता है केचुआ, तो वो मिट्टी को ऊपर नीचे करता है। केचुआ मिट्टी के अपशिष्ट पदार्थों को खाता है, इस प्रकार केचुआ मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी करता है। अब केचुआ मिट्टी को ऊपर नीचे करके मिट्टी को भुरभुरी बना देता है। खेत की मिट्टी भुरभुरी होने से क्या होता है, फसलों की जो जड़ें होती है उनकी वृद्धि बढ़िया से होती है। केचुआ के मलविष्ट जो होते हैं वो खेतों को बढ़िया खाद मिलता है, इससे खेत उपजाऊ बनते हैं। खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ने से फसलों की पैदावार बढ़ जाती है, और इन सभी कारणों से केचुआ किसानों का मित्र कहते हैं। देखिए चार पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या कहा कि जो केचुआ जो रहता है वो मिट्टी को ऊपर नीचे करता है, उसके अपशिष्ट पदार्थों को खाता है, और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों का विघटन करता है। सेकेंड पॉइंट में हमने बताया कि वो जमीन को जो ऊपर नीचे करता है तो जमीन भुरभुरी हो जाती है, जिससे उसकी जड़ों की वृद्धि अच्छे ढंग से होती है। थर्ड पॉइंट में हमने बताया कि केचुआ के जो मलविष्ठा होती है वो खेतों को बढ़िया खाद देती है, खाद इतने अच्छे खाद से जो खेत होते हैं वो उपजाऊ बनते हैं। और फोर्थ पॉइंट में हमने बताया कि जो खेतों की जो उर्वरकता होती है, उर्वरक क्षमता होती है, वो बढ़ाने में फसलों की पैदावार बढ़ जाती है, इसके कारण हम केचुओं को किसान का मित्र कहते हैं। आयुर्वेद में जोग का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। जोग क्या करती है, रक्त पीती है। ठीक है, अब अगर किसी के शरीर में अशुद्ध रक्त है तो वो बाहर निकालने के लिए जोग का यूज करते हैं। आयुर्वेद में शरीर से अशुद्ध रक्त तथा रक्त का थक्का बाहर निकालने के लिए जोग का यूज किया जाता है। जोग क्या करती है, शरीर से अशुद्ध रक्त खींच लेती है तथा अशुद्ध रक्त को पी जाती है, इससे रोगी को आराम मिलता है। उसके शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है, रोगी के शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है वो जोग चूस लेती है या पी लेती है, खींच लेती है, इससे रोगी को आराम मिलता है। अब ये जो अशुद्ध रक्त होता है वो पीने के पश्चात
जोंक के शरीर में एक विशेष प्रकार का रसायन केमिकल क्रिएट होता है जिसको कहते हैं हिरुडिनिया। इस रसायन के कारण रक्त पीने के पश्चात जोंक के शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस रसायन का उपयोग भी चिकित्सा कार्यों में किया जाता है, इसीलिए आयुर्वेद में जोंक का उपचार के लिए किया जाता है। 7.61 जेलीफिश के संपर्क में आने पर शरीर में दाह या जलन होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक कारण है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जेलीफिश सेलेंट्रेटा संघ का प्राणी है। जेलीफिश के शरीर में दंश पेशी युक्त स्पर्शिकाएं होती है। जेलीफिश दंश पेशी युक्त स्पर्शिकाओं का उपयोग अपने भक्ष को पकड़ने तथा स्वयं की रक्षा करने के लिए करती है। उसके अगल बगल में अगर कोई उसे लगा कि इससे मुझे खतरा है तो उससे अपनी सुरक्षा करने के लिए उसको दंश करती है, या अपने भक्ष को पकड़ने के लिए उसको दंश करती है। तो दंश किससे करती है? दंश पेशी युक्त स्पर्शिकाएं होती है उसके पास, वो उससे दंश करती है। दंश करती है तो उस समय क्या होता है, उसके जिस भक्ष को पकड़ती है उसके शरीर में वो विष का अंतक्षेपण करती है, यानी उसके शरीर में विष डालती है। तो इससे भक्ष को वो घायल कर देती है। अगर जेलीफिश हमारे संपर्क में आई तो वह हमारे संपर्क में आने से क्या करेगी, वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो दंश करेगी, और दंश पेशी युक्त स्पर्शिकाओं से दंश करने से वो हमारे शरीर में विष फैलाती है। इस विष के कारण ही हमारे शरीर में दाह या जलन उत्पन्न होती है। नाउ द 7th सरीसृप वर्ग के प्राणियों के शरीर का तापमान अस्थिर रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरीसृप वर्ग के प्राणियों का तापमान अस्थिर रहता है, यानी स्थिर नहीं रहता है। क्यों? जैसे हमारा देखिए, हम मैमल्स हैं, ठीक है, स्तनधारी प्राणी हैं, हमारे शरीर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है। ठंडी के दिन आए तब भी हमारा टेम्परेचर, गर्मी के दिन आए तब भी हमारा टेम्परेचर, या बारिश हो, कोई भी सीजन हो, हमारा टेम्परेचर, हमारे शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। कितना होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर? तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मोस्टली हम कहते हैं 36-37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब क्या होता है, शरीर अभी हमारा टेम्परेचर क्यों स्थिर रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म है, एक तापमान नियंत्रण करने की हमारे बॉडी में क्षमता है। जैसे अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया, यानी गर्मी के दिन आए, तो हम लोग ज्यादा पानी पीते हैं, स्वीटिंग करते हैं, पसीना निकालते हैं, लेकिन अपने बॉडी का टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। ठंडी के दिन आए, बाहर में ठंडी ज्यादा बढ़ गई, तो हम लोग थोड़ा ज्यादा खाना खाते हैं या ज्यादा ऊर्जा वाला खाना खा के अपने आप को हम उष्मा देकर गर्म रखते हैं। लेकिन हमारी बॉडी जो होती है वो हमारे बॉडी में क्या है, मतलब तापमान हम लोग स्थिर रख सकते हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणियों में क्या होता है कि तापमान अस्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में तापमान नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरीसृप वर्ग के प्राणी जो होते हैं वो शीत रक्त वाले प्राणी होते हैं। एक्चुअली जो प्राणी अपने बॉडी का टेम्परेचर स्थिर नहीं रख पाते हैं वो शीत रक्त वाले प्राणी होते हैं। उनके शरीर में तापमान नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती है। उनके शरीर का तापमान आसपास के वातावरण या पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है, इसीलिए सरीसृप वर्ग के प्राणी के शरीर का तापमान अस्थिर होता है। 7th chapter के हम लोग देख रहे हैं कुछ वैज्ञानिक कारण। रसायन उद्योगों में रासायनिक उत्प्रेरकों के स्थान पर सूक्ष्म जैविक प्रकिण्वों का उपयोग किया जाता है, या फिर इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जाता है कि सूक्ष्म जैविक प्रकिण्व जो होते हैं वह पर्यावरण स्नेही या पर्यावरण हितैषी होते हैं। ये देखिए मार्च 2019 में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसा क्यों है कि सूक्ष्म जैविक प्रकिण्व पर्यावरण स्नेही क्यों कहलाते हैं, या रासायनिक उत्प्रेरकों के स्थान पर सूक्ष्म जैविक प्रकिण्वों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए सूक्ष्म जैविक प्रकिण्व जो होते हैं वह कम तापमान पर, कम पीएच पर और कम दाब पर भी कार्य करते हैं। यानी उसको ज्यादा तापमान की, देखिए रासायनिक अभिक्रिया बढ़ाने के लिए हम लोग कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया फास्ट नहीं होती है या अच्छी करनी चाहिए करके हम लोग तापमान बढ़ाते हैं। तापमान बढ़ाने से वह जल्दी क्रिया करती है। ये जो सूक्ष्म जैविक प्रकिण्व होते हैं ये कम तापमान पर ही कार्य करते हैं, कम पीएच पर ही, कम दाब यानी कम प्रेशर पे ही ये क्रियाशील रहते हैं और कार्य करते हैं। अब कम तापमान और कम प्रेशर पर ये कार्य करेंगे तो हमारी ऊर्जा की बचत होगी, राइट। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ये कम पीएच और कम दाब पर कार्यरत रहते हैं, इसलिए हमारी ऊर्जा की बचत होती है। उसके बाद अगर जैसे हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जिसमें, जिस उपकरणों में हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं उस उपकरणों को का क्षरण हो सकता है, इसलिए फिर महंगे क्षरण रोधी उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्रकिण्वों के सूक्ष्म जैविक जो प्रकिण्व होते हैं इनका यूज करते समय क्षरण होने का कोई चांस नहीं होता, इसलिए महंगे क्षरण रोधी उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी खर्चा कम हो जाता है। देन द 3rd सूक्ष्म जैविक प्रकिण्वों का उपयोग करके
की गई अभिक्रिया में अनावश्यक उप उत्पाद बनते हैं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, उप उत्पाद बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये उप उत्पाद नहीं बनते हैं, तो उप उत्पाद जहां बनते हैं या एक्स्ट्रा कुछ भी दूसरा, एक हमें जो बनाना प्रोडक्ट बनाना है उसके साथ दूसरे भी प्रोडक्ट बनते हैं, दूसरे भी उत्पाद बनते हैं, तो उनको शुद्धिकरण करना पड़ता है और शुद्धिकरण करने के लिए खर्चा पड़ जाता है। अब यहाँ पे उप उत्पाद नहीं बनते हैं इसलिए यहाँ पे शुद्धिकरण का खर्चा कम होता है। सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं की अभिक्रिया में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन और अपघटन टाला जाता है। इस प्रक्रिया के लिए किए गए प्रकिण्वों का पुनरुपयोग भी किया जाता है, यानी जो प्रकिण्व हम यूज करते हैं उसको फिर से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इन सभी कारणों की वजह से सूक्ष्म जैविक प्रकिण्व जो होते हैं वो पर्यावरण स्नेही या पर्यावरण हितैषी होते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में हमने कहा कि जो कम तापमान कम पीएच कम दाब पर ये क्रियाशील होते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमने कहा कि इसलिए इससे ऊर्जा की बचत होती है और महंगे क्षरणरोधी उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड पॉइंट में हमने कहा कि इसमें अनावश्यक उत्पाद नहीं बनते हैं, इसलिए इसका शुद्धिकरण का खर्चा कम हो जाता है, और इसमें अपशिष्ट पदार्थ नहीं बनते हैं, और इसमें जो प्रकिण्व होते हैं उनका फिर से हम बार बार यूज कर सकते हैं, इसीलिए सूक्ष्म जैविक प्रकिण्व जो होते हैं वो पर्यावरण स्नेही या पर्यावरण हितैषी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट वन, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान में उत्परिवर्तित प्रजातियों का उपयोग बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इन जैव प्रौद्योगिकी की विभिन्न पद्धतियों के द्वारा लाभ देने वाले सूक्ष्म जीवों की अनेक प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। उत्परिवर्तित प्रजाति और जनुक अभियांत्रिकी दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा निर्मित प्रजातियों का उपयोग करने से उत्पादन में असीमित बढ़ोतरी होती है। यहाँ से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या करते हैं कि जो उत्परिवर्तित क्वेश्चन में है कि उत्परिवर्तित प्रजाति का उपयोग क्यों करते हैं, तो उत्परिवर्तित प्रजातियों का उपयोग से उत्पादन में असीमित बढ़ोतरी होती है, ठीक है। फिर प्रतिजैविक जीवन सत्व अमीनो अम्ल प्रकिण्व इत्यादि विभिन्न प्रकार के उत्पादनों में उत्परिवर्तित प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। इन सभी में प्रतिजैविक बनाना है, जीवन सत्व अमीनो अम्ल प्रकिण्व इन सभी प्रकारों में उत्परिवर्तित प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कचरा व्यवस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण जैसे पर्यावरणीय समस्याओं का निराकरण किया जाता है। 6.1, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित बीटी फसलों के को खेतों में उगाया जा रहा है। यानी बीटी फसल क्या होती है, तो बीटी फसल ऐसा है कि उसमें कीड़ा नहीं लगता है, तो कीड़ा नहीं लगेगा मतलब आपको कीटकनाशक का जो उपयोग करना है वो कीटकनाशकों का उपयोग जो है वह कम हो रहा है, तो आपका यहाँ पे भी खर्चा बढ़ गया। तो देखिए हमने कौन सा पॉइंट देखा कि पहला हमने मतलब आपको ध्यान में रखने वाला कि इससे उत्परिवर्तित प्रजाति यूज करने से उत्पादन में असीमित बढ़ोतरी होती है, इससे हम कचरा व्यवस्थापन प्रदूषण नियंत्रण कर सकते हैं, बीटी फसलों के जैसे प्रजातियों का यूज करके हम लोग कीटकनाशकों का खर्चा कम कर सकते हैं। इन सभी कारणों की वजह से औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान में उत्परिवर्तित प्रजातियों का उपयोग बढ़ गया है। नेक्स्ट वन, अपमार्जकों में सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया से प्राप्त प्रकिण्व मिलाए जाते हैं। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, ठीक है। तो डिटर्जेंट में सूक्ष्म जैविक प्रकिण्व मिश्रित करने से अत्यंत प्रभावशाली ढंग से कार्य करते हैं। इसमें अपमार्जकों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। कम तापमान पर ही कपड़ों का मैल निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यानी आपको ज्यादा हम लोग देखिए कपड़े जब धोते हैं कभी कोई बहुत ज्यादा मैले हो तो हम लोग उसको गर्म पानी में डालते हैं, तो यहाँ पे आपको गर्म पानी में डालने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये कम तापमान पर ही अपमार्जक कार्य करते हैं। इसलिए अपमार्जकों में सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया से प्राप्त प्रकिण्व मिलाए जाते हैं। एक चैप्टर देखते हैं, आजकल सुरक्षित टीकों का उत्पादन किया जा रहा है। क्या होता था बच्चों, पहले पारंपरिक विधि से जब टीके लगवाए जाते थे तो उसमें क्या होता था कि हमें पता है कि एक सूक्ष्म जीव को दूसरा सूक्ष्म जीव मारता है, ठीक है। तो जो अगर कोई हमें मतलब ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, छोटे बच्चों को टीके लगवाते हैं ना, तो ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वो बीमारी अगर किसी सूक्ष्म जीव से हुई है तो उसको मारने वाला दूसरा सूक्ष्म जीव का टीका लगवाया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, दूसरा जो सूक्ष्म जीव होता है उसको अधमरा किया जाता है या फिर उसको मारा जाता है और उसके बाद उसका टीका लगवा जाता है। मतलब इनडायरेक्टली सूक्ष्म जीव यानी कि वो जो रोग जंतु होता है उसी को पूरी मार कर उसी का टीका लगवाया जाता था। अब इससे
वो तो जिस बीमारी के लिए हमने दिया था वो बीमारी के तो विषाणु सूक्ष्म जीव तो मर जाते हैं, लेकिन इन सूक्ष्म जीवों की वजह से संबंधित रोग होने की संभावना होती थी, ऐसा पहले होता था। ये पारंपरिक विधि है। तो आजकल क्या किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृत्रिम विधि से टीके तैयार किए जाते हैं। इस विधि के अंतर्गत रोग जंतु के प्रथिन, वे प्रथिन जो प्रतिजन का कार्य करते हैं, यानी हम सूक्ष्म जीव, हम लोग जो देख रहे हैं जो सूक्ष्म जीव होता है या जो रोग जंतु होते हैं उनके कुछ जो प्रथिन है जो प्रतिजन का कार्य करते हैं, वह प्रतिजन डायरेक्ट प्रतिजन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। क्या उन रोग जंतु से वो डीएनए या वो जनुक प्राप्त किया जाता है, जीन प्राप्त किया जाता है, वो जीन से वह प्रतिजन प्रयोगशाला में बनाया जाता है और उसके बाद उसका टीका लगवाया जाता है। इस प्रतिजन का उपयोग टीके के रूप में किया जाता है, इसीलिए आजकल के जो टीके होते हैं वह सुरक्षित टीके होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बताती हूँ कि जो हम लोग टीके पहले यूज करते थे, बनाए जाते थे, उसमें रोग जंतु को पूरी तरह से मारकर या अधमरा कर उनके टीके के रूप में यूज किया जाता था, परंतु इससे कुछ लोगों को संबंधित रोग होने की संभावना होती थी। आजकल क्या किया जाता है, आजकल जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृत्रिम विधि से टीके तैयार करते हैं। कैसे, तो उसमें जो रोग जंतु होते हैं उनके वे प्रतिन जो प्रतिजन का कार्य करते हैं उनके जनुक प्राप्त कर उसकी सहायता से ही प्रयोगशाला में प्रतिजन तैयार किए जाते हैं, और ये जो प्रतिजन का उपयोग है ये टीके के रूप में किया जाता है, इसलिए आजकल टीके जो होते हैं वह सुरक्षित होते हैं। सेकेंड, मरणोपरांत देहदान और अंगदान जैसी संकल्पनाएं आगे आई है। वैज्ञानिक कारण, मनुष्य के शरीर में अंग जो होते हैं वह बढ़ती हुई आयु, दुर्घटना, रोग, बीमारी इत्यादि कारणों से वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब किसी का कोई शरीर का अंग जो है वह किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना की वजह से या किसी रोग की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाए, तो ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति को जीवन जीना कठिन हो जाता है या उसके प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। ऐसे स्थिति में यदि उस व्यक्ति को आवश्यक अंग प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन सहज रूप से अच्छा हो जाएगा तथा उस व्यक्ति के प्राण भी बचाए जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से, हार्ट अटैक से, ऐसे अगर हो जाता है एक्सीडेंट, तो उनके जो बाकी के अवयव होते हैं, शरीर के जो अवयव होते हैं वह अच्छे होते हैं। तो मृत्यु के बाद अगर ऐसे व्यक्ति मर गए और उनके बॉडी का हमने दाह संस्कार कर दिया या दफना दिए, तो उनके शरीर के जो अंग होते हैं वो जलकर भस्म ही हो जाएंगे। इसके बजाय यदि उस शरीर का अंग दान किया जाए तो किसी अन्य व्यक्ति के प्राण बचाए जा सकते हैं। इसीलिए मरणोपरांत देहदान और अंगदान जैसी संकल्पनाएं सामने आई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट वन, 9th चैप्टर। आजकल प्रयोगशाला में जाने वाले बच्चों को तनाव का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? आजकल जो बच्चे हैं वो विभक्त परिवार में रहते हैं। पहले क्या होता था कि ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, सब कजन्स ऐसे साथ में रहते थे। अभी विभक्त परिवार में आ गए, काम के लिए लोग शहर में रहने लगे। अब इसमें स्त्री स्वतंत्रता आ गई, स्त्री भी जो इंडिपेंडेंट हो गई, ये इसलिए स्त्रियां जो घर की स्त्रियां होती है वो बाहर निकलती है यानी काम पे जाती है, या महंगाई के कारण या बढ़ती हुई महंगाई के कारण घर के जो है माता और पिता दोनों काम पे जाने लगे हैं। इसके वजह से बच्चे जो होते हैं वो घर में अकेले होते हैं। घर के पिता न रहने से बच्चे अकेले रहते हैं। पाठशाला तथा पढ़ाई में जानलेवा स्पर्धा है, उसको 70% आया, मुझे 80% आना चाहिए, ये आजकल कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण बच्चों को लुभाने वाले तथा गलत मार्ग पर ले जाने वाले अनेक विज्ञापन दिखाए जाते हैं आजकल टीवी पर या इंटरनेट पर। ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं जिससे बच्चों उसके तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं और कुछ बच्चे गलत मार्ग पर चले जाते हैं। कभी कभी बच्चे गलत मित्रों के संगत में पड़ने से उनमें गलत आदतें उत्पन्न हो सकती है। घर से बाहर का वातावरण बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मन में उठने वाली ऐसे अनेक भावनाएं की पूर्ति ना होने के कारण पाठशालाओं में जाने वाले बच्चों में तनाव का सामना करना पड़ता है। एक हमने देखा कि पहला पॉइंट में हमने देखा कि घर में माता और पिता दोनों ना रहने की वजह से बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। फिर स्कूल में पाठशाला में पढ़ाई की जानलेवा स्पर्धा है, इसकी वजह से भी वह तनाव फेस करते हैं। कुछ बच्चे गलत मार्ग पर चले जाते, कुछ ऐसे लुभावने विज्ञापन देखकर, कुछ मित्रों के गलत मित्रों के संगत में रहने से गलत आदतें पड़ जाती है।
इन सभी की वजह से बाहर का वातावरण उनको लगता है कि सुरक्षित नहीं है, इन सभी कारणों की वजह से पाठशाला में जाने वाले बच्चों को तनाव का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री पुरुष असमानता के कारण लड़कियों में तनाव का सामना उत्पन्न होता है। वैज्ञानिक कारण देखते हैं। अधिकांश परिवारों अथवा घरों में लड़कों को स्वतंत्रता दी जाती है परंतु लड़कियों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ऐसा मोस्टली देखा जाता है कि लड़कों को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता होती है कंपैरेटिवली लड़कियां। ऐसे इसके पीछे भी खास कारण होता है कि माता पिता को थोड़ी चिंता होती है कि लड़कियां सुरक्षित है रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसलिए वो उन लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। लड़कियों की सुरक्षा की भी चिंता उत्पन्न हो जाती है। आजकल लड़कियों से छेड़छाड़ भद्दे मजा करना तो आम बात है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जाता है, बलात्कार होता है, ये सभी कारण देखते हैं। इन सभी कारणों से लड़कियों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो स्त्रियों का विकास होने पर भी हमारी जो संस्कृति है वो पुरुष प्रधान संस्कृति है, इसलिए स्त्री पुरुष असमानता के कारण लड़कियों में तनाव की समस्या उत्पन्न होती है। थर्ड वन, शराब या मदिरा का सेवन करना हमेशा ही नुकसानदायक होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्यों? शराब या मदिरा पीते समय गलत पद्धतियों का उपयोग करने से विषैली मदिरा या शराब निर्मित होती है। आपको पता है जो शराब होती है वो इथिल अल्कोहल होता है, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज होता है। अगर बहुत कभी कुछ कुछ जो शराब की भट्टियां होती है वो इलीगल भी होती है, इलीगल पद्धति से बनाई जाती है, तो उसमें सही पद्धति का यूज ना कर दिया जाए और गलत पद्धति से अगर शराब बनाई जाए तो कभी कभी विषैली मदिरा का भी निर्माण हो जाता है, और ऐसे विषैली शराब अगर पी जाए तो मृत्यु हो जाती है। शराब या मदिरा में स्थित अल्कोहल के कारण तंत्रिका संस्थान तथा मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये यहाँ का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको लिखना ही अगर ये क्वेश्चन आया तो, कि ये हमारे तंत्रिका संस्थान और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ में यकृत और वृक्क की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है। इसके वजह से मदिरा पीने वाले व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। विद्यार्थियों में तो स्मरण शक्ति, सीखने की क्षमता, सोचने की क्षमता भी नष्ट हो जाती है। शराब पीने के कारण सामाजिक और पारिवारिक समस्या उत्पन्न होती है। मोस्टली देखिए जो लोग शराब पी के आते हैं घर में झगड़ा करते, अपने नेबर्स से झगड़ा करते हैं, यानी सामाजिक और पारिवारिक समस्या भी उत्पन्न करते हैं, आर्थिक समस्या भी उत्पन्न होती है, और इन सभी कारण की वजह से शराब या मदिरा का सेवन करना हमेशा ही नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट वन, हमें अपने डेबिट कार्ड का पिन नंबर गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि डेबिट कार्ड से अपने बैंक से हम लोग खाते से पैसे निकालते हैं। जब एटीएम से हम लोग पैसे निकालते हैं उस समय हम लोग पिन का उपयोग करते हैं। यदि ये पिन नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गया तो वो व्यक्ति हमारे खाते से पैसे निकाल सकता है, इसीलिए आर्थिक नुकसान से बचने के लिए हमें अपने डेबिट कार्ड का पिन नंबर जो है वो गुप्त रखना चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मैदान पर खेले गए खेलों का महत्व अतुलनीय है। देखिये बच्चों, आजकल आप लोग मैदान पर कम खेलते हैं और मोबाइल पर ज्यादा खेलते हैं, तो मोबाइल से ज्यादा मैदान पर गेम खेलना बहुत अच्छी बात होती है। उसके कुछ लाभ है। मैदान पर खेलने से खेलों द्वारा शारीरिक व्यायाम होता है, इस कारण शारीरिक लाभ होता है, एक्सरसाइज हो गया। इससे व्यक्तिगत अनुशासन, अन्य खिलाड़ियों से बात, व्यवहार तथा एकता की भावना निर्माण होती है। अनुशासन, क्योंकि हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह जो खेलने वाले बच्चे होते हैं खेल के, हॉकी फुटबॉल जैसे गेम जो खेलते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और उठकर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, मतलब उनमें एक अनुशासन लग जाता है। वो बाकी खिलाड़ियों के साथ बात करते हैं तो उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो एक टीम बनती है। हम लोग कहते हैं ना ये मेरी टीम है तो मेरी पूरी टीम जीतनी चाहिए, मैं अकेला जीतना चाहिए ऐसा नहीं होता, पूरी टीम, यानी एकता की भावना निर्माण होती है। मैदान पर खेलने से अकेलापन, मानसिक तनाव और निराशा कम हो जाती है। ये हमें ध्यान में रखना है कि मैदान पर खेलने से जो है वह हमारा मानसिक तनाव और निराशा कम हो जाती है। व्यक्ति जो होता है वो अधिक सामाजिक हो जाता है, इसीलिए मैदान पर खेले गए खेलों का महत्व जो है वो अतुलनीय है। नेक्स्ट वन, अभिरूप सराव नकली या कृत्रिम अभ्यास उपयुक्त होता है। पहले देखिए कि अभिरूप सराव होता क्या है। आपदा कभी भी आ सकती है। आपदा अगर आई तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर प्रैक्टिस की जाती है
कि देखो भाई आग लग गई, भूकंप आ गया तो हम क्या करेंगे। हम लोगों ने बीएमसी के स्कूलों में पिछले साल हमने ये अभिरूप सराव करके भी देखा था, किस लिए कि अगर बिल्डिंग में आग लग जाती है तो बिल्डिंग को खाली करने में कितना समय लग जाता है, कितने लोग चपेट में आ सकते हैं, पहले फर्स्ट फ्लोर खाली करना है, सेकेंड फ्लोर खाली करना है, देन थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से। तो ये हमने अभिरूप सराव किया हुआ है, इसको कहते हैं अभिरूप सराव। ये अभिरूप सराव उपयुक्त क्यों होता है? क्योंकि अभिरूप सराव भविष्य में होने वाले आपदा से निपटने का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। अभिरूप सराव या जिसको हम मॉक ड्रिल कहते हैं, आपदा के स्थिति में तुरंत और कम से कम समय में तैयारी करने की स्थिति का मापन करने का एक साधन है। यानी हमें कम से कम कितना समय लग सकता है, बिल्डिंग खाली करना है हमें कम से कम कितना समय लगता है, भूकंप आ गया तो हमें बिल्डिंग के नीचे जाना है तो कितना समय लग सकता है, इसका मापन करने का एक साधन है अभिरूप सराव। किसी भी आपदा से संबंधित प्रतिसाद प्रक्रिया को जांचने के लिए आपदा आने के पश्चात की स्थिति का आभासी संचलन करते हैं। आपदा आने पर उससे निपटने के लिए कुछ योजनाएं पहले से ही बनाई जाती है। आपदा से निपटने के लिए योजना के अनुसार बनाई गई सभी कृतियां सफल होंगी या नहीं होंगी इसकी जांच प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा की जाती है। यानी हम आपदा अगर आई तो हम ऐसा करेंगे, हमारी ये योजना होगी, हम ऐसा करेंगे, ऐसा एक जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है वो पहले ही डिसाइड करते हैं कि अगर बाढ़ आ गई तो हमें ये करना है, आग लग गई या भूकंप आ गया तो हमें ये करना है। उनका एक वो सारे जो लोग होते हैं वो प्रशिक्षित होते हैं और उनकी एक योजना होती है। तो ये हमने जो ये योजना बनाई है ये कितना सफल होगी उसकी जांच करने के लिए
हेलो मैडम, हेलो रीना मैडम, हेलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ ये तो मैडम तुमसे आवाज है तो ये तो ओके। ओके बच्चों, प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए भविष्य भविष्य के लिए सुसज्जता का निर्माण करती है, यानी हमें प्रभावी आपदा प्रबंधन विभाग क्यों बनाना चाहिए? कभी भी आपदा जो होती है वो कभी भी आ सकती है, अचानक आने वाली आपदा कभी प्राकृतिक होती है, कभी मानव निर्मित होती है। आप प्राकृतिक आपदा बाढ़ है या और भी कोई भूकंप है, ये आपदा बता के नहीं आती है। मानव निर्मित जैसे आतंकवाद वगैरह है, ये बता के नहीं आती है, इसीलिए उसको आपदा भी कहते हैं। ये आपदा के कारण जो होता है वो बड़े पैमाने पर आर्थिक तथा जानमाल का नुकसान होता है, इसीलिए भविष्य में अपनी रक्षा करने के लिए आपदा प्रबंधन का गठन महत्वपूर्ण होता है। प्राकृतिक आपदा पर मानव नियंत्रण नहीं होता है, परंतु आपदा प्रबंधन से गठन करने से आने वाली आपदा की भयावहता जो होती है वो कम की जा सकती है। स्थानीय और जिला स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने से विभिन्न स्थान के लोगों को आने वाली किसी भी आपदा से निपटने के लिए सुसज्जित रहते हैं। ये जो आपदा प्रबंधन विभाग होता है ये क्या करते हैं कि अभी हमने देखा कि पहले अभिरूप सराव वगैरह करते हैं, इन सारी वजह से वो रेडी रहते हैं कि कोई भी आपदा आए तो हम लोग उसे निपट सकते हैं, उससे हम निपट सकते हैं। उससे पूरी तरीके से तो हम उसको आपदा नहीं आएगी ये तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपदा आती है तो हम उसकी भयावहता जो है या कम से कम नुकसान हो या नुकसान ना हो इसकी कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आपदा प्रबंधन जो होता है वो भविष्य के लिए सुसज्जता का निर्माण करता है। थर्ड वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक कारण है बच्चों, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथमोपचार का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि आपदा आने पर चिकित्सीय मदद प्राप्त होने तक तत्काल घायल व्यक्ति का इलाज करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर कुछ आपदा आ गई और कुछ हो गया तो उस व्यक्ति को चिकित्सीय मदद यानी हॉस्पिटलाइज यानी कि डॉक्टर से मदद मिलनी चाहिए, लेकिन जब तक हम उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाते तब तक उसको प्राथमिक उपचार अगर हम लोग करते हैं तो उस समय तक अगर हम लोग उसको डॉक्टर के आने तक अगर हम बचा लेते हैं तो बाकी डॉक्टर हैंडल कर लेंगे, लेकिन अगर उस जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक अगर उस व्यक्ति के प्राण नहीं बचे तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए चिकित्सीय मदद प्राप्त होने तक तत्काल घायल व्यक्ति का इलाज करना आवश्यक होता है। ऐसे समय में प्रथम उपचार की जानकारी होने पर किसी व्यक्ति के प्राण बचाए जा सकते हैं। अब प्रथम उपचार कौन कर सकता है, जिसको प्रथम उपचार कैसे किया जाना चाहिए, ये अगर इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, तो इस प्रकार की आपदा हमारे कक्षा में हो सकती है, घरों के लोगों के में लोगों को हो सकती है, जरूरत पड़ सकती है, या आसपास के लोगों किसी भी व्यक्ति पर आ सकती है। इन लोगों को शारीरिक कष्ट भी हो सकता है या इनकी जान भी जा सकती है। यदि ऐसे समय में हमें प्रथम उपचार की जानकारी हो तो हम उनका उपचार कर सकते हैं या उनके प्राण बचा सकते हैं, इसीलिए प्रथम उपचार का प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं बच्चों। सो अगर अभी किसी को क्वेरीज है, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ध्यान में रखिएगा वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक कारण क्वेश्चन दो ए में तीन आएंगे, तीन में से कोई आपको दो लिखना है। प्रत्येक वैज्ञानिक कारण दो मार्क्स के लिए होता है, टोटल चार मार्क्स हो गए, और वैज्ञानिक कारण जो होते हैं वो पॉइंट्स में ही लिखने, पॉइंट्स ही मार्क्स कैरी करते हैं। नाउ एनी डाउट्स स्टूडेंट्स? हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अपना हैंड राइज कीजिए। मैडम ने अपने आपको जो भी पढ़ाया उस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपना हैंड राइज कीजिए, मैडम आपको उसका आंसर बताएगी। हाँ पूछो बेटा, शैलेंद्र, शैलेंद्र पूछो, शैलेंद्र पूछो, हाँ और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों इस टॉपिक से? हाँ सुप्रिया पूछो, सुप्रिया पूछो बेटा, अपना माइक ऑन करो, अपना माइक ऑन करो सर। हाँ पूछो, सुनाई दे रही आवाज? पूछो, पूछो।
सर टीचर ने अभी जो जो बताया ना उन सबका एक बार बोलिए ना, स्क्रीन शेयर करने के लिए स्क्रीनशॉट लेना है। ओके हाँ ओके हाँ स्क्रीनशॉट लेती हूँ मैं। ठीक है मैडम जी, स्क्रीन उनको दिखाइए, उनको स्क्रीनशॉट लेना है। लीजिए बच्चों, मैंने स्क्रीन शेयर किया आपको। हाँ जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग लीजिए। और किसी हाँ, को दूसरा और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हो। इस टॉपिक से संबंधित अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, अपना हाथ ऊपर कीजिए, हैंड रेज कीजिए। हाँ मकसूद, मकसूद पूछो बेटा। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग, पूछो क्या क्वेश्चन है आपका। मैम क्वेश्चन ये है कि जैसे आप सिर्फ अभी वैज्ञानिक कारण के बारे में सिर्फ आप बताए ना अभी। हाँ बेटा, और जो जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते होते ना मैम, जैसे जोड़िया मिलाओ से संबंधी ये हुआ ना बेटा, अपना जोड़िया मिलाओ मैंने 7 तारीख को आपको बताया था, पूरी जोड़िया मिलाओ जितनी इम्पोर्टेंट जोड़िया मिलाओ थी मैंने 7 तारीख को पूरे लिए थे बेटा। उसमें सत्य असत्य भी लिया था। एक्चुअली डेट वाइज हम लोग एक एक जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसमें जो जो क्वेश्चंस आते हैं हम पूरे क्वेश्चंस ले रहे हैं, एक एक दिन एक एक टाइप का हम लोग क्वेश्चन पैटर्न ले रहे हैं। जैसे आज मैंने वैज्ञानिक कारण लिया, कल क्वेश्चन नंबर 3 होगा, साइंस 1 साइंस 2 का अल्टरनेट डे हम लोग ले रहे हैं और सभी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं बेटा। आप रोज ज्वाइन कीजिए तो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। हाँ भूमि कुछ पूछना चाहते हो बेटा? भूमि हाँ सर। हाँ पूछो सर, मुझे ये दूसरा वाला नहीं समझ में आया। दूसरा ये जो स्क्रीन पे है ना दूसरा वाला। हाँ अपमार्जक में क्या होता है, ये जो अपमार्जकों में सूक्ष्मजैविक प्रक्रिया से प्राप्त प्रकिण्व क्यों मिलाए जाते हैं ये वैज्ञानिक कारण लिखना है। क्योंकि सूक्ष्मजीवों से जो सूक्ष्मजैविक जो प्रकिण्व होते हैं वह मिलाने से जो अपमार्जक होते हैं वो अत्यंत प्रभावशाली ढंग से कार्य करते हैं, यानी इफेक्टिवली कार्य करते हैं। इससे जो अपमार्जकों की जो कार्य क्षमता होती है वह बढ़ जाती है, यानी उनका कार्य करने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है। कैसे? कम तापमान पर भी ये कपड़े साफ करते हैं और उससे मैल निकालते हैं, इसलिए अपमार्जकों को प्रक्रिया से प्राप्त करके वह मिलाए। हाँ पांडे जी आप कुछ पूछ रहे हैं। हेलो 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 राजधर पांडे जी। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो हाँ आ रही सर, आ रही आपकी आवाज आ रही सर। हाँ बोलिए सर। हेलो हेलो हाँ सर, मुझे म्यूट कर दिए थे। नहीं, नहीं, सर एक्चुअली बच्चों के लिए एक सूचना है। हाँ बोलिए। जितने भी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप अपने स्कूल से ऑनलाइन का टाइम टेबल ले लीजिए। अगर आप टाइम टेबल देखेंगे बेटा तो इस महीने आपको हर विषय का जो क्वेश्चन वाइज है कि क्वेश्चन नंबर 1 में है तो उसमें क्या क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें क्या क्या आता है, ये हिसाब से आपको सिखाया जाएगा। और बाद में आपको एक सेशन होने वाला है जिसमें आपको बोर्ड का पैटर्न कैसा रहेगा और विषय निहाय उसकी तैयारी कैसी करनी है ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो जैसे आज मैडम ने लिया है तो उन्होंने एक पार्टिकुलर क्वेश्चन लिया है कि इसमें इस प्रकार के आएंगे। जैसे अगर आप कल का टाइम टेबल देखेंगे तो कल आपको
मैथ्स के जो भी हैं या साइंस के, क्वेश्चन नंबर टू बी में क्या आने वाला है वो आपको सिखाया जाएगा कि क्वेश्चन नंबर टू बी में किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो ऐसे टाइम टेबल अगर आप देखोगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि हर दिन कौन कौन सा सेशन है, और उसके बाद आपको एक बार पूरा का पूरा पेपर पैटर्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। ठीक है, ओके जयकर सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर जी, वेलकम। हाँ बच्चों, और कोई क्वेश्चन होगा आपका इस टॉपिक से संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, मैडम आपको उस क्वेरीज का हल आपको बताएगी। जो भी समस्या है आप लोग पूछ सकते हो। हाँ शायद मैडम सभी को अच्छे से टॉपिक समझ में आया। थैंक यू रेना मैडम, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके ओके।